दोस्तों ऑस्ट्रेलिया नहीं दिखाया पहली पारी में दम, और दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने बनाया पहली पारी में बहुत ही ज़्यादा रन कम, और दोस्तों भारतीय स्पिनर ने दिखाया दम। तो दोस्तों क्या है पूरी खबर जानते हैं इस वीडियो में, लेकिन दोस्तों ये जानने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेली जा रही है, जिसमें भारतीय टीम पहले टेस्ट मैच के दौरान ऑस्ट्रेलिया को पहली पारी में बहुत ही कम स्कोर पर रन पे रोक डाला, और दोस्तों भारतीय टीम के गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलिया को बल्लेबाज को बैक पर ढकल दिया। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज जो कि अपना पत्थर की तरह विकेट गंवाते गए। दोस्तों आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम ने 63.5 ओवर में अपना ऑल आउट और पूरा विकेट गंवा दिया, और दोस्तों उन्होंने 170 रन की बना पाए पूरी टीम मिलकर। दोस्तों अगर दोस्तों भारतीय टीम की अगर सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज की बात करें तो रविंद्र जडेजा की अभी चोटिल होने के बाद फिर से भारतीय टीम में वापसी की, और दोस्तों उन्होंने पहले ही पारी में उन्होंने 5 विकेट नाम कर ली। दोस्तों इनके अलावा रविंद्र चंद आश्विन ने भी 3 विकेट बना लिया, और दोस्तों कुल 8 विकेट जो कि भारतीय टीम के स्पिनरों ने लिया, और दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज जो कि भारतीय गेंदबाज का सामना भी नहीं कर पाए, और दोस्तों 177 रन पे ही सिमट गए। और दोस्तों भारतीय टीम के पास एक अच्छा मौका है बीजी टीम में अच्छा कमबैक करने का, लेकिन दोस्तों भारतीय टीम दिन के खेल खत्म होते तक 77 रन बना दिया एक विकेट होकर, जो कि केएल राहुल ने अपना विकेट गंवा दिया। और दोस्तों भारतीय टीम के भी कप्तान रोहित शर्मा जो कि भारतीय टीम के एक मोर्चा संभाले हुए। दोस्तों भारतीय टीम में एक और बहुत बड़ा चेंजेज देखने को मिला, जो कि दोस्तों तीसरे नंबर पर चेतेश्वर पुजारा को बैटिंग था, लेकिन दोस्तों वहीं पे आर अश्विन को तीसरे नंबर बैटिंग करने को मौका मिला, और दोस्तों भारतीय टीम की तरफ से वह तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आई हुई है। यानी कि दोस्तों भारतीय टीम दिन के खेल खत्म हुए तक 77 रन बना दिए एक विकेट के नुकसान पर। दोस्तों भारतीय टीम की तरफ से अभी रोहित शर्मा और आर अश्विन बैटिंग करें। दोस्तों रोहित शर्मा 56 रन पे है, जो कि एक अर्धशतकीय पारी खेल चुके हैं, और दोस्तों उन्होंने बेहतरीन अंदाज से बल्लेबाजी कर रहे हैं। और दोस्तों भारतीय टीम 77 रन पे एक विकेट खोल के, यानी कि दोस्तों अभी 100 रन पीछे है भारतीय टीम, लेकिन दोस्तों विराट कोहली चेतेश्वर पुजारा जैसे बल्लेबाज अभी डॉगआउट में बैठे हुए हैं। ऐसे में दोस्तों भारतीय टीम का सुनहरा मौका है बीजी टीम में पहली जीत दर्ज करने के लिए, लेकिन दोस्तों इनमें कोई संदेह की बात नहीं है कि भारतीय टीम गेंदबाजी ने जिस तरह का कमाल दिखाया पहले पारी में, ऐसा ही अगर परफॉर्मेंस करती है भारतीय टीम गेंदबाज तो बीजी टीम जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन दोस्तों से आप लोग कह रहे हैं कि भारतीय टीम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया को मात देगी या नहीं, अपने कमेंट में जो वीडियो कहाँ से रहे बिल्कुल ना भूलें।